सो हे गाइस, आप कुछ इस टाइप की इमेजेस बनाना चाहते हैं, आप नहीं, अपने किसी दोस्त के, किसी के भी बना सकते हैं, जिसमें ऊपर भोले बाबा इमेजेस होगी और आप नीचे बैठे होंगे आपके टी शर्ट पर नेम लिखा। इस टाइप की इमेजेस वन क्लिक में एडिट हो जाती है, मिलियंस में व्यूज आते हैं इस टाइप की इमेजेस। आज की वीडियो में आपको यही बताऊँगा कैसे आप इसको बना सकते हैं, कैसे कैसे एडिट कर सकते हो। वीडियो में तक बने रहे, वीडियो का लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। बाकी वीडियो बहुत ही आसान है, वीडियो में मैं आगे बताऊँगा प्रोसेस में कैसे आपको कॉपी पेस्ट करना है और कैसे कैसे एडजस्ट करना है। तो वीडियो का एंड तक देखते रहे, वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना गाइस। तो हे गाइस, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है गाइस। ओपन करने के बाद बिंग इमेज क्रिएटर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट में ही आ जाएगा इसका नाम, इस पर आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ वेबसाइट दिखेंगी, फर्स्ट वाली को ओपन कर लेना है। गाइस देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पे कुछ टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, मुझे यहाँ करियर दिखा रहा है। आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग दिखाएगा, तो आपको यहाँ पे मेरे वीडियो डालने की इस वाली वीडियो को आपको देख लेना है, ठीक है गाइस। इस वीडियो से आप इसको लॉगिन करना सीख जाएंगे। गाइस मैं यहाँ पे प्रोमोट कोड ऐड करता हूँ, गाइस मैंने प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा सिलोन, इसको भी आप चेंज कर देखो नाम आइकन। फिर यहाँ पे आप ईयर देखने को मिलेगी, उसको भी चेंज करके अपना नाम लिख सकते हो, ईयर लिख सकते हो। सॉरी, वेलिंग के बाद आपको इसको क्रिएट कर देना है। कुछ सेटिंग्स लगेंगे आपकी न्यूज जनरेट होने, सो गाइस आप कुछ इस टाइप की न्यूज वन पर रेडी हो जाएंगे। आपको किसी भी एक न्यूज पर क्लिक करना है, फिर जब ठीक है उसको सेव कर लेना है, ठीक है। अब आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ, सभी बताते हैं वीडियो से उसको एडिट करना है। आज मैं कुछ अलग बताऊंगा आपको कैसे एडिट करना है, तो आज भी चलते हैं। सो गाइस आपके पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन होगा, आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पहले एडिट पर जाना है, एडिट पे फोटो पर जाना है। अब हमने जो फोटो अभी सेव किया था उसको सेलेक्ट कर लेना है। इजी तरीके से इस फोटो को सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फोटो को आपको क्रॉप पर जाना है, टूल्स से क्रॉप पर जाना है। क्रॉप पर जाने के बाद इसको एक बार कैप करना है, दोबारा कैप करना है, इस तरह का हो जाएगा। इसको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से, राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद एफएक्स वाले आइकन पे जाना है। एफएक्स वाले पे जाने के बाद अब ब्लर वाले आइकन पे जाने के ब्लर कर देना है, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करके कर सकते हैं। और इसको राइट कर देना, राइट करने के बाद आपको एड फोटो वाले आइकन पे जाना है। एड फोटो वाले आइकन पे जाने के बाद आपसे इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं। इमेज सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद इसको फोटो के साइज को बड़ा कर लेना, जिसमें आप एडजस्ट करने का आप देख सकते हैं। थोड़ा एडजस्ट करने के बाद इसको एक बॉर्डर बना लेना है, आप ये ब्लैक या वाइट कलर में इसका बॉर्डर बना सकते हैं, जिसमें इसको प्लेन बॉर्डर बना लेते हैं, तो वो भी ब्लैक कलर बना दिया। इसको आप सिंपली सेव कर लेना। सो गाइस जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो उसके नीचे आपको टेम्पलेट देखने को मिलेगा, उसको क्लिक कर देना। सो गाइस टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह पेज देखने को मिलेगा आपको, गाइस आपको इस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस ये कुछ इस तरह का दिखाएगा, तो आपको इसके लिए सिक्योर बीकन कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं एक बीकन कनेक्ट करता हूँ, सिक्योर बीकन दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं। सो गाइस प्ले स्टोर से आपको इस बीकन को इंस्टॉल कर लेना है, सिक्योर बीकन, ठीक है। बीकन को इंस्टॉल करने के बाद कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद हमें फिर से उसी ऐप पे चले जाना है। सो गाइस देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा एक बार में। सो गाइस कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, यूज करना, इसको क्लिक करना है और आपको टैबलेट में ले जाएगा। सो गाइस कुछ इस तरह की लोडिंग होगी आपके पास। लोडिंग होने के बाद आपको क्या है, एक टैबलेट देखने को मिलेगा, आपको यूज कर लेना। तो गाइस हमने जो इमेज ऐड करी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, गाइस सेलेक्ट कर लेना है इमेज को, क्लिक करके प्रीव्यू कर देना है। जैसे ही प्रोसेस 100 होता है गाइस, जब ही आपकी वीडियो रेडी हो जाती है, ये रेडी हो चुकी है हमारी वीडियो बनके, अब देख सकते हैं। सो गाइस आपको एक्सपर्ट पे क्लिक करना है और सेव वाले आइकन पे जाके आपको सेव कर लेना है। कुछ ही सेकंड्स में आपकी इमेज सेव हो जाएगी। सो गाइस कुछ ही सेकंड में आपकी इमेज सेव हो जाएगी।